वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मक्के के पापड़ यानी कि खींचे बनाना बताऊंगी, जो बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुकर में डाल के खींचे कैसे बनाते हैं जो है मैं आपको आज बनाना बताऊंगी, जिससे जो है खींचे हमारे बिल्कुल भी चटेंगे नहीं और बहुत आसानी से हम इन्हें बना सकेंगे। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पे मक्की का बारीक आटा लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है अजवाइन, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, ये मैंने साबुत जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है पापड़ खार, इससे पापड़ जो है मक्के के बहुत ही अच्छे और टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर लिया है नमक, आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। सबसे मेन बात होती है इसमें पानी, पानी हमें कितना डालना है जिससे कि जो है हमारे पापड़ जो है फटे नहीं और अच्छे फूले। तो इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 कप मक्के का आटा लिया है तो इसका 3 गुना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें 6 कप इसमें पानी ऐड करना है। तो सबसे पहले हम पानी गर्म कर लेते हैं। गैस पे मैंने कुकर रख दिया है और इसमें 2 टीस्पून में यहाँ पर तेल ऐड करूंगी। तेल इसलिए डाला कि जो हम इसका साजा बनाएंगे, जो इसकी खींच बनाएंगे वो इस पे लगे नहीं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ, आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें 3 गुना पानी लेना है, जिस भी बर्तन से या जिस भी कप से हम नाप ले उसी के अकॉर्डिंग हमें उसी कप से 3 गुना पानी हमें नाप लेके इसमें ऐड करना है। पानी में अच्छा उकाल आने देंगे, पूरा अच्छी तरह से उकल जाने के बाद ही हम इसमें सब चीजें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम फुल कर देते हैं। एक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो थी मैदे के पोले यानी मैदे के पापड़, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप एक बार उस रेसिपी को भी ट्राई कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। इन पापड़ को हम स्टोर करके साल भर के लिए क्या बहुत ज्यादा समय तक के लिए हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं पानी बॉइल होने लग गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, अजवाइन जो हमने अजवाइन ली थी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, पापड़ खार। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 पिंच मैंने यहाँ पर हींग भी ली है, इससे खुशबू अच्छी आती है, वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। अब धीरे धीरे जो है मक्के का आटा इसमें हम ऐड करेंगे कम फ्लेम पे और इसको चलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसको ऐड करना है और बीच बीच में हम इसको चलाएंगे। गैस की फ्लेम को हम कम रखेंगे। सारा हम ऐड कर देते हैं और हिला लेंगे इसको। इस तरह हमें इसको हिलाना है दबा दबा के ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। इस तरह हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करना, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं। कुकर को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। 5 मिनट हमें कम फ्लेम पे रखना है और फिर हमें 2-3 इसकी बिसल लेनी है, फिर गैस को हम बंद कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। 15 से 20 मिनट तक हम इसको इसी तरह भाप में ही पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से सेट हो जाए। मक्के के खींचे फटने का मेन रीजन एक ये भी है कि उसको हम अच्छी तरह से पकाते नहीं है। यदि वो अच्छी तरह से पकेगा नहीं तो खींचे जरूर फटेंगे।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो बैटर है इसको हम अच्छी तरह से इसको हम पकाएं। जितना अच्छा पकेगा उतने ही जो है इसके खींचे फूले फूले बनेंगे। कुकर ठंडा हो गया है तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा साजा बनकर हमारा तैयार हुआ है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, इसको हम थोड़ा से तेल से ग्रीस करेंगे। अब हम साजा थोड़ा थोड़ा करके प्लेट में डालेंगे। आप चाहे तो इसको घी या तेल लगाकर ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने इसका एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था कि मक्की का साजा कैसे बनाते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन अभी हमें इसके खींचे बनाने हैं तो इसके हम खींचे बनाएंगे। कोई सा भी हम मेजर ले लेंगे इस तरह का, या फिर एक लोटा ले लेंगे, पीछे से चिकनाई लगा देंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से इसको हमें इस तरह मैश करना है ताकि इसमें जो भी गुठली या कुछ रह गया है तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह हमें इसको मैश करना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि साजा जो है हमने टाइट नहीं बनाया था, हल्का गीला ही बनाया था हमने, इसलिए देख के बड़ी आसानी से हो जाता है। ठंडा होएगा वैसे वैसे जो है ये टाइट भी होता जाएगा। तो इस तरह हमें इसके सारे जो लम्स हैं वो निकालने हैं। इस तरह हमें चम्मच की सहायता से इसको इकट्ठा कर लेंगे। और हाथ पे जो चिकने लगा के हमें इसके लोइया बनानी है। थोड़ी सी हम चिकनाई लगा लेते हैं हाथ पे और थोड़ा थोड़ा लेके हमें इसकी लोइया बनाएंगे। बड़ी आसानी से बन जाती है, आप देख सकते हैं। इस तरह हमें इसकी लोइया बनानी है। ये मैंने लोइया बना के रख दिए हैं, तो चलिए अब हम खींचे बना लेते हैं। ये मैंने पूड़ी बेलने की मशीन ली है, ये सबके पास मिल जाती है। यदि नहीं भी है तो मैं आपको बताऊंगी बिना मशीन के खींचे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक प्लास्टिक की पन्नी लेंगे, इसको मैंने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। इस पे अब हम एक लोई रखेंगे, लोई पे भी अच्छा सा हम तेल लगा लेंगे। अब जो पन्नी ली थी उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको प्रेस करेंगे हम। प्रेस करते हुए हमें इसको ऊपर उठाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है मक्की का पापड़ बनकर हमारा तैयार हुआ है। पन्नी को अब हम हटा लेंगे। मैंने इस पे प्लास्टिक लगाया है, इस पे अब हम खींचे सुखाएंगे तो ये पन्नी हम ऐसे ही उठा के इस पे धीरे से हम इस तरह प्रेस कर देंगे और धीरे से हम इसको उठा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह हमें सारे सुखाने हैं। यदि आपके पास मशीन नहीं है पूड़ी बेलने की तो आप खींचे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। वो प्लास्टिक की पन्नी जो हमने ली थी वो हम लेंगे, उसको हमने चिकनाई कर रखा है। एक लोई लेंगे हम मक्की की, इसको इस तरह हम रखेंगे और पन्नी को हम इस तरह पलट देंगे। इस तरह के जो प्लेट है सबके साथ आसानी से मिल जाती है, सबके पास ही होती है। इस प्लेट से हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये देखिए, थोड़ा और हम प्रेस कर देते हैं यदि हमें पतला चाहिए तो। ये देखिए हमारा खींचा बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से भी आप जो है मक्की के पापड़ बना सकते हैं। इस तरह हमें सारे खींचे बना के रखने हैं। इस तरह देखिए हम धीरे से इसको पलट देंगे और इस तरह हम पन्नी हटा लेंगे, बड़ी आसानी से हट जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह हमें सारे खींचे बना के रखने हैं और इनको हमें धूप में सुखाना है। 3 से 4 घंटे सुखाने के बाद हम इनको एक बार पलट देंगे ताकि दोनों साइड से जो है आसानी से सूख जाए। इस तरह हम इनको 2 दिन तक धूप देंगे। जब अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इनको हम फ्राई करेंगे तेल में। आप देख सकते हैं खींचे जो है हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है और उसमें मैंने तेल ऐड किया है। गैस की फ्लेम को हमें फुली रखना है, तेल अच्छा गर्म हो जाएगा फिर हम खींचे को तलेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है, चलिए अब हम एक खींचा तल के देख लेते हैं हमारे खींचे कैसे बने हैं। ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं। पलट देंगे दोनों साइड से हम इनको तलेंगे और निकाल लेंगे इस तरह। एक और हम तल के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूल गए हैं।
तरह हम जितने चाहेंगे हम उतने ही खींचे तलेंगे, बाकी के खींचों को जो है हम स्टोर करके रख देंगे ताकि हमारे खींचे जो है खराब नहीं होंगे, और जब भी खाने की इच्छा हुई तो हम उनको फ्राई करके खा सकते हैं। आप देख सकते हैं खींचे को मैंने फ्राई कर लिया है, कितने अच्छे और टेस्टी खींचे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। खींचे को बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो हम बैटर बनाएंगे वो थोड़ा लूज होना चाहिए, ढीला होना चाहिए, यदि टाइट हुआ तो खींचे जो हमारे फूलेंगे नहीं और टूट भी जाएंगे। इस तरह आप इस तरीके से यदि खींचे बनाएंगे तो आपके खींचे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, यदि आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।